आईसीएमआर ने देश को एक चौंकाने वाला हेल्थ कार्ड पेश किया, जिसके मुताबिक देश में 23 करोड़ से ज्यादा लोग या तो डायबिटीज की चपेट में हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं। करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे या फिर वजन बढ़ने से परेशान हैं। 31 करोड़ से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और इन सब की एक कॉमन वजह खराब लाइफस्टाइल बताई गई है। जब से ये आईसीएमआर की स्टडी आई है, इस पर काफी चर्चा हुई भी है, जी बिजनेस पर भी हमने इस पर खूब चर्चा की है, लेकिन ये जो फैक्टर बीच में आया है इसमें लाइफस्टाइल को सबसे बड़ी वजह बताया गया है। क्या इस लाइफस्टाइल का हम कुछ कर सकते हैं, क्या इसे हम बदल सकते हैं या देर हो चुकी है? समझेंगे इन बीमारियों से बचना है तो क्या करना है, कैसे लाइफस्टाइल में तब्दीलियां करनी शुरू करनी है। कुछ लोग लाइफस्टाइल में तब्दीलियों को किसी दूसरे नजरिए से भी देख लेते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के दौरान क्या क्या ख्याल रखना है ये भी बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ बहुत खास मेहमान होंगे आज की चर्चा के लिए, पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सेहत ठीक नहीं है। डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारियां तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। आईसीएमआर की एक ऐसी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर की चपेट में हैं। खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ है। 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज कभी भी अपनी चपेट में ले सकता है, यानी ये लोग प्री डायबिटिक हैं। कुल मिलाकर देश की वयस्क आबादी का करीब 25% या तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है। ये आंकड़े देश की सेहत के लिए खतरे की घंटी है। खराब जीवन शैली, खान पान और फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी के चलते देश का युवा तेजी से इन बीमारियों की चपेट में आता जा रहा है। यही वजह है कि आईसीएमआर ने अपने सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 20 साल या इससे ज्यादा की उम्र के करीब 1,13,000 लोगों को शामिल किया। इसमें न केवल शुगर को लेकर आंकड़े जुटाए गए बल्कि हाइपरटेंशन, मोटापा, निकली हुई तोंद के अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी आंकड़े जुटाए गए। स्टडी के मुताबिक 31.5 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार मिले, जबकि 25.5 करोड़ लोगों में मोटापा पाया गया। वहीं 35 करोड़ से ज्यादा मामले बढ़ी हुई तोंद के पाए गए। वहीं हाइपर कोलेस्ट्रॉल के मामले भी 21 करोड़ के पार चले गए हैं। स्टडी में शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क की फिजिकल एक्टिविटी औसतन महज 62 मिनट ही पाई गई। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 101 मिनट का पाया गया। वहीं बैठकर काम करने या बैठे रहने की अवस्था की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 324 मिनट यानी 5.5 घंटे और ग्रामीण इलाकों में औसतन 301 मिनट यानी के 5 घंटे का पाया गया। आईसीएमआर के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि विकसित राज्यों में शुगर का प्रकोप ज्यादा है। गोवा में जहां इसके सर्वाधिक 26.5% मरीज मिले तो केरल में 25.5% शुगर के पेशेंट मिले। तमिलनाडु में भी आंकड़ा 14% से ज्यादा का पाया गया। कह सकते हैं कि कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों में सिटिंग जॉब होने के चलते डायबिटीज का खतरा ज्यादा है। डायबिटीज के खतरों की बात करें तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियां होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि इन बीमारियों की दवाओं की बिक्री भी हाल ही के दिनों में काफी तेज हुई है। फार्मा ट्रैक के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 से मई 2023 के बीच हार्ट संबंधी दवाओं की बिक्री साल दर साल करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस दौरान एंटी डायबिटिक दवाओं की बिक्री के मामले में यह आंकड़ा 5.5% से ज्यादा का रहा। सांस से जुड़ी बीमारियों की दवाओं के मामले में यह आंकड़ा 18.5% से ज्यादा रहा। यानी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के चलते लोगों की दवाओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। सबक एक ही है कि अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शुमार करें, हेल्दी डाइट लें और ऑफिस में हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं ताकि शुगर और मोटापे जैसी बीमारियों से दूरी बनाए रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।